इस देश के निर्माता हूँ। शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके लिए विविध समसामयिकी, जिसमें करंट विविध, साथ ही साथ जीएस, जीके, पर्यावरण अध्ययन, सामान्य अध्ययन के साथ साथ रीजनिंग, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए लाइव हुई है। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारी क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा। क्योंकि हम केवल प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताएंगे, बल्कि ये पूरा प्रयास करेंगे कि जहाँ से जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण लगे, सिलेक्शन वाले लगेंगे, वो मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपके आए या ना आए, लेकिन हाँ, इससे जुड़ा हुआ जो तथ्य है या इसके सीरीज में जो हम आपके लिए इसकी व्याख्या करते हैं, वहाँ से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न आए। तो जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे पुरोहित है और वैदिक संहिता है, तो एक एक करके इनको मिलान करते हैं और ये जानते हैं कि उर्ध्वी ब्रह्मा होता उद्गाता। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अगर होता की बात करें, अगर जो होता है ये ऋतु संहिता के उद्बोधन द्वारा देवताओं को आह्वान करने वाला, मैंने अगर होता की बात करें तो यहाँ ऋग्वेद से है, इसकी वैदिक संहिता ऋग्वेद होगी। उधरव्यू की बात करें, उधरव्यू ये यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित, मतलब ये यजुर्वेद से संबंधित हो गया। अब उद्गाता जो है ये सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित है। बचा ब्रह्मा, तो जो ब्रह्मा यज्ञ का निरीक्षण करता ये अथर्ववेद से संबंधित था। अब आप बताइए निम्नलिखित में से जो चार विकल्प हैं आपके सामने, इन चार विकल्प में से कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए, कौन से विकल्प को लॉक किया जाए? जी हाँ, ये प्राचीन इतिहास का सवाल है और इतिहास में मैंने बताया था यह टॉपिक आपके लिए एवरग्रीन टॉपिक है, जहाँ से परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न के लिए, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। निम्न में से किसने किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? कनिष्क, विष्क, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं शेयर करिएगा, उसके पैसे नहीं कटेंगे आपके, हाँ लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचेंगी और उनको सिलेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो के बाद। ये डेली क्लास की टाइमिंग यही है। देखिए आप लोगों ने एकदम सही बताने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे होगा गुप्त शासक स्कंदगुप्त, सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी था, लेकिन इसमें मिलावट भी अधिक था, मिलावट भी अधिक था। यह बात काफी यूनिक है, काफी इंपॉर्टेंट। भारी भी थी लेकिन साथ ही साथ उसमें मिलावट भी ज्यादा था। ठीक है, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। अब आगे देखिए, फिर देखिए आजकल कूट वाले सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे सवालों को हल करिए और परीक्षा में सिलेक्शन लीजिए। मेरा की उद्देश्य आपका सिलेक्शन, और हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, सारे काम छोड़कर केवल सिलेक्शन के लिए। दीवाने बिजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत, सेना, सही पत्र व्यवहार, विदेश संबंध, वित्त। तो बताइए जल्दी जल्दी। देखिए दीवाने बिजारत का संबंध वित्त से है, दीवाने अर्ज का संबंध सेना से है, दीवाने इंसा का संबंध शाही, ये शाही पत्र व्यवहार होगा, शाही पत्र व्यवहार से है, और दीवाने रिसालत ये विदेश विभाग से था, मतलब विदेश संबंध, खासकर जो राजदूत की नियुक्ति करने का जो उत्तरदायित्व था वो दीवाने रिसालत विभाग का काम था। अब आपको ये बताना है इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, जिसका उत्तर आपको परीक्षा हाल के अंदर करना है। यार वीडियो को शेयर कर दिए, जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, ये निःशुल्क क्लास चल रही है, मैं अपने बचे हुए समय से आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। इस हिसाब से प्रश्न का विकल्प क्या होगा? सी। ठीक है,
जी हाँ, नेहा जी ने सी बताया, थैंक यू। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसे अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा गया? ये काफी यूनिक सवाल है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा जाता था। बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। काफी यूनिक प्रश्न है और यहां से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब इसका उद्देश्य देखिए, यहां पे बहुत लोगों ने एकदम जवाब सही दिया, ज्यादातर लोग के उत्तर बंगाल आ रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर जो होगा अवध होगा। मतलब बी वालों के जवाब सही। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां अथवा बुरहानुल मुल्क था। अंग्रेजों के आर्थिक संकट के समय अवध हमेशा आर्थिक सहायता की, इसलिए अवध अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, काफी यूनिक सवाल है, परीक्षा बार बार पूछा जाता है। कौन गांधी इरविल समझौते के संदर्भ में सही नहीं है? तीन सही और एक सही नहीं, आपको बस यही जवाब देना है। तीन सही और एक सही नहीं है, वो कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? सरकारी शिक्षक बनने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो पूरी तरह से एचडी में आपको दिखाई देगा। देखिए, ध्यान से देखेंगे, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई थी, सही बात। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए सहमत हो गई, सही बात। पुलिस जातियों की आम जांच की मांग मान ली। राजनीतिक बंदियों को तत्काल छोड़ने की मांग ली, ये गलत है। मतलब महात्मा गांधी तथा वायसराय इरविल के मध्य ये 5 मार्च 1931 एक समझौता होता है, इसे हम गांधी इरविल समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने बहुत सारे समझौते की बातें स्वीकार की, मान गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने, पुलिस की क्रूरता की जांच की मांग को त्यागना, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, कांग्रेस के द्वितीय गोल में सम्मेलन भाग। लेकिन पुलिस जातियों की आम जांच की मांग मान ली गई, ये नहीं था। मतलब यहां पर यही गलत है, जो गलत है वही सही है। देखिए, हमें पूछा कम लिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में फिक्स है, खासकर गांधी इरविल समझौते से। ठीक है, सभी लोग के हो गया ना, समझ में आ रहा है ना? निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है बताइए। देखिए, सदिश अदिश दो होता है, एक सदिश होता है, एक अदिश राशि होता है। यह भी आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में सामान्य विज्ञान है। तो यहां पे बताइए आप लोग, सदिश राशि क्या? देखिए, ऐसी राशि जिसकी भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, सदिश कहलाती है। जैसे इसमें त्वरण, संवेग, बल, विस्थापन। अगर हम अदिश राशि की बात करें तो ये ऐसी भौतिक राशि होता है जिसे परिणाम हो पर दिशा ज्ञान न हो। अदिश जैसे चाल है, बल है, आघूर्ण है, समय है, दूरी है। तो यहां पे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन में परिणाम भी है, दिशा भी है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। तो आप लोग के जवाब सही है ना? ये सिलेक्टेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब अगर सदिश अदिश से अगर परीक्षा में आपके प्रश्न आता है और आप गलत करते हैं तो फिर इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ भाई? इससे ज्यादा मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, बताइए। अगला सवाल है, निम्न धातु में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सोडियम, पारा, कार्बन, क्लोरीन। बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, चाहे लेनी भी दुर्गेश के ऐप पर, सभी साथी फटाफट कमेंट करें जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, इसका प्रश्न एकदम रटा है, सभी का सही है, पारा। सामान्य ताप दाब पर पारा द्रव अवस्था मिलता है। सोडियम ठोस धातु है, क्लोरीन अधातु है और गैस है, कार्बन अधातु और ठोस है। तो यहां पर हमने चारों विकल्प के बारे में बता दिया और आप लोगों को उत्तर भी पता हो गया। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका बी है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है?
जीवाणु, फफूदी विषाणु, प्रोटोजोवा। बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, मत लाइक करिए। देखिए हाइड्रोफोबिया, पानी से डरने की प्रक्रिया को हम लोग पानी से डरते उन्हें हाइड्रोफोबिया कहते हैं। सॉरी, सॉरी यार, सही है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया है ये रेबीज का पूरा नाम है, और रेबीज का जो विषाणु होता है ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है? कोबाल्ट 60, आयोडीन 31, फास्फोरस 32, फास्फोरस 34। क्या होगा? देखिए यहां पर क्या होगा, फास्फोरस 32। ये लिक्यूमिया एक प्रकार रक्त कैंसर इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 से कैंसर का इलाज किया जाता है, इससे क्या किया जाता है? कैंसर का इलाज किया जाता है, कैंसर का इलाज। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? फास्फोरस 32, ल्यूकीमिया। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद विदेश भ्रमण का संरक्षण प्रदान करता है, माने विदेशों में भ्रमण करने के लिए संरक्षण प्रदान करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके जवाब दें। यार आप लोगों को क्लास की टाइमिंग पता है तो टाइम से लाइव रहा करिए ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश भ्रमण का संरक्षण प्रदान करता है? 21, 14, 16, 20। बताइए, अनुच्छेद 14 भी मैंने पढ़ाया है, 20 भी मैंने पढ़ाया है, 16 भी पढ़ाया है, 21 भी पढ़ाया है, सभी मैंने पढ़ाया और आपको वीडियो भी उपलब्ध होगा ई लर्निंग दुर्गेश पर। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 21। जब आपातकाल भी लगा हो देश में तो मेनका गांधी, जैसे इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लगा था तो उनकी बहू मेनका गांधी भ्रमण जा रही थी, उस समय दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर ली गई। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और केस बना मेनका गांधी बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने बताया कि विदेश भ्रमण भी एक मूल अधिकार है। तो जो विदेश भ्रमण होता है ये भी क्या है? एक मूल अधिकार है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। माने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? ए है। क्लियर? अगला सवाल, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, रूस के संविधान से? काफ़ी यूनिक प्रश्न है और एवरग्रीन सवाल है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भाग तीन के अंतर्गत आता है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से 35 तक आता है। अमेरिका वालों का जवाब सही है। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, अमेरिका बताया है, उन लोगों के जवाब पूरी तरह से सही है। अमेरिका वालों के जवाब राइट आंसर है। भारत में कितने प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? बताइए जल्दी से। आपातकाल अनुच्छेद 352, 356, ये अभी तक कभी नहीं लगा है। तो यहाँ पर तीन प्रकार का होगा, तीना नहीं है, ये तीन प्रकार का होगा।
कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। ये दोनों कई बार लगे हैं और ये पहला है, वित्तीय आपात कभी नहीं लगे हैं। ठीक है, मेरा सवाल है, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? जितने लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं वे लोग जवाब जरूर देंगे। भाई विविध पढ़ रहे हैं, समसामयिकी की सीरीज है, रीजनिंग है, जीएस जीके है, पर्यावरणीय अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, तो जवाब दीजिए। वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। लाल मिट्टियाँ पाई जाती है, यूपी स्पेशल है, एटा मैनपुरी, मिर्जापुर झांसी, आगरा मथुरा, सीतापुरी मैंने पढ़ाया है, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और झांसी वाले बेल्ट में मिलते हैं। मान इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी। यूपी स्पेशल सीरीज मैंने पढ़ाया, एक बार आप लोग देख लीजिएगा सभी लोग, स्क्रीन शॉट चाहे तो कर ले इसकी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, उत्तर प्रदेश में। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और डेली क्लास के लिए और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके, इलर्निंग पे दुर्गेश, सभी नोट्स उपलब्ध हैं, नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नलकूपों द्वारा होती है, माने ए वालों के जवाब सही है। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का ए उत्तर बताया उन लोगों का जवाब पूरी तरह से सही है, ए वालों का राइट आंसर है। जलदा पारा नेशनल पार्क स्थित है, ये सभी लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स में आपको मिल जाएंगे। हाँ, नोट्स के लिए नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगी। ये जौनपुर जनपद से क्लास चलती है और मैं अपने बचे हुए समय में आप लोग को लिए निःशुल्क क्लास लेकर आता हूँ डेली लाइव इसी टाइम। जलदा पारा नेशनल पार्क कहाँ पर? एकदम आसान प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे गैंडा बहुत पाया जाता है, किसके लिए? ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये पश्चिम बंगाल में। ए वालों के जवाब सही है, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब सही है। क्लियर हो गए? यार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं, सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, साथ दीजिए, हम परिणाम देंगे। आप पूरे अंतरात्मा के साथ जुड़े रहिएगा, हम पूरे अंतरात्मा के साथ आपके साथ रहेंगे, यकीनन आप सफल होंगे। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? ओजोन गैस O3 है, इसका रंग काला, पीला, नीला, सफ़ेद। बताइए, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन बताता है कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। इसकी खोज किसने की थी? ओजोन गैस की, ओजोन गैस की खोज किसने किया था? क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन नामक व्यक्ति ने किया था। इसका रंग पीला होता है, रट लीजिएगा। अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आए तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, ये समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं और ये समताप मंडल में एक मंडल है, इसे ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, ओजोन परत को ओजोन स्पीयर भी कहते हैं, ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी है, राइट आंसर बी। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये नीला नहीं है, सफेद नहीं है, काला नहीं है, ये पीला रंग है। ठीक है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? देखिए यहां पे देखा जाए तो माना है हमारा भारत है, तो देखिए कितने राज्य लगे हैं। सबसे पहले देखेंगे ये गुजरात लगा है, एक महाराष्ट्र, दो यहां पर छोटा सा गोवा, तीन कर्नाटका, केरला, कुल कितने राज्य हो गए? इधर पांच राज्य। इधर आएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, चार ये हो गए। तो कुल कितने हो गए? पाँच प्लस चार नौ, तो नौ राज्य हैं जिसमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी रेखा गोवा की है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर हम बात करें तो गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आपका क्या है? गोवा है। और ये अरब सागर को स्पर्श करती है, किसको? अरब सागर को, ये पांच राज्य, और ये बंगाली खाड़ी को। बंगाल खाड़ी कौन करते हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पे क्या है? केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तो पांच इधर चार इधर, कुल नौ राज्य हैं जिनकी कुल समुद्र तटरेखा ये है। क्लियर हो गया सभी कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? यार जो लाइक नहीं कर रहे शेयर कहाँ से करेंगे? ऐसे लोग को भगवान शिक्षक बना दे।
पंकज किस्म है, धान, गेहूं, सरसों, अरहर। तो पंकज जो है ये धान की किस्म है, ठीक है, जो केवल अपना भला सोचते हैं, भगवान उनको भी सरकारी शिक्षक जरूर बनाए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक संपदा 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, बताइए। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, किस पर रहा। चलिए सवाल, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ये एक बार मिला लीजिएगा, कुछ लोग 29वां बता रहे, बार मिला लीजिएगा आप लोग। स्वतंत्रता के बाद 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई, आजाद भारत के बाद। तो ये 1991 से 2001 दशक के बीच सर्वाधिक कमी, 1991 से 2001 के बीच। क्लियर हो गया, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ये वालों का सही जवाब है प्रचंड बेरोजगारी, मतलब ऐसा है कि ये मैंने पढ़ाया है, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ध्यान से देखें, जैसे मैं पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। जैसे ये मान लीजिए खेत है, इस खेत में धान बोया जा रहा है, इसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, अगर इसमें से 2 लोग को निकाल दिया जाए, अगर 18 लोग काम करेंगे तो क्या इसके उत्पादन में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसके उत्पादन कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, या 2 लोग को बढ़ा दिया, मतलब इसमें 2 लोग फालतू के लगे थे, इसलिए इसको कहते हैं कृषि क्षेत्र में। माने जब श्रमिकों को सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, उनको हटाने पर भी उत्पादकता प्रतिकूल प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता है, ऐसे को हम कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। ए वालों के जवाब सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना का सामान्य प्रारूप तैयार करती है, पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित की देखरेख करती है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है, योजना के प्रत्येक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित करती है, बताइए क्या करती है। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है, इसकी जो स्थापना है योजना आयोग के अनुसंगी संस्था के रूप में की गई थी। कब की गई थी, 1952, ये भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका मुख्य काम है योजना का संचालन करना, समय समय पर मूल्यांकन करना, विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना, योजनाओं में के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुझाव, योजना के अंतिम रूप देना, मतलब यहाँ पे इनकी समीक्षा करना। श्री वालों के जवाब सही, मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर श्री बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपका। अरे कोई बात नहीं, जो लोग क्लास देख रहे हैं वो लोग भी लाइक मत करें, भी अनलाइक कर दीजिए, वो लोग भी अनलाइक कर दे, लाइक ना करें। लाइक कर देंगे हमको पैसा नहीं मिल जाएगा। 2015-16 की अवधि में भारत के प्रमुख शस्त्रों का आयात विश्व में क्या था, थोड़ा सा पुराना आउटडेटेड प्रश्न है, बताइए आप लोग, सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताएं। दूसरे स्थान पे था, अपने थाईलैंड के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नवंबर 2019 को किस भारतीय ग्रंथ को थाई अनुवाद का विमोचन किया, रामचरितमानस, त्रिकुलरल, बुद्धचरित, मतविलास प्रसंग, बताइए। जी हाँ, तिरुकुलरल, तिरु ककुरल, बी उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, ललितपुर। बताइए बागपत। 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
तमिलनाडु, कर्नाटक। विकल्प के हिसाब से बताना जो विकल्प में दिया गया है, विकल्प के हिसाब से बताना है क्या है। उत्तर प्रदेश, मैं व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। भारत जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स 20 सितंबर 2020 में उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया, यह अभ्यास का कौन सा संस्करण था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? नोट्स में है चौथा। कौन सा था? चौथा था। ठीक, और आगे आते हैं। ये रीजनिंग और गणित दोनों का सवाल है। ये दुकानदार अपने सामान का दाम क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, वह ग्राहक को कुछ छूट देता है, फिर भी उसे 15% का लाभ अर्जित करता है। छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत आसान तरीका से लगाएंगे। अपने सामान का दाम क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, माना उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, 25% अधिक अंकित करता है, माने 100 प्लस 25, परसेंटेज के लिए बटा 100, फिर गुणे, कोई ग्राहक को छूट देता माने छूट एक्स दिया, 100 माइनस एक्स बटा 100, अब उसे कितने मिलता है? 15% का लाभ होता है, माने 115। इसी को हल करना है। ये दो लड्डू से कट गया, ये आपका बचेगा 125 गुणे 100 माइनस एक्स बटे 100, 125 और 25 चौका 100 बराबर 115 है, 5 से काटेंगे तो 23, ये बटे में उधर जाए गुड़े में, 100 माइनस एक्स बराबर 23 गुड़े 4, 100 माइनस एक्स बराबर 20 चौका 83 चौक 12 92, तो एक्स उधर प्लस हो जाएगा तो इधर आएगा 100 माइनस 92 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर 8%। तो कितने का छूट दिया? 8%। सी वालों के जवाब सही है। सी वालों का जवाब क्या है? सही है। ये मैंने पढ़ाया होगा, अगर आपने मेरी मैथ की गणित की सीरीज अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद ये सवाल आप तुरंत आसानी से कर लेंगे। मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे भी लगा सकते हैं, ये 100 था, माना क्रय मूल्य 100 था, 25 में अधिक बेचता है, 125 में बेचता है, फिर उसे लाभ छूट देता है एक्स परसेंट का, बराबर 115। इसी को हल कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा एक्स बराबर 8%। क्लियर सभी का? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछ ले, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में, 35% छात्र हिंदी में असफल हुए, 27% दोनों में असफल हुए। यदि सफल छात्रों की संख्या 288 हो तब परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए? ये भी आसानी से लग जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। दो यहाँ पे असफल छात्र दिया है, अगर 20% छात्र, ध्यान से देखिएगा, अगर 20% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए हैं, असफल तो 80% छात्र है। देखिए दो तरह से लगा सकते हैं, मैं ऐसे भी लगा देता हूँ, 20% छात्र अंग्रेजी में माने इंग्लिश हो गया, और 35% हिंदी में असफल, और दोनों में कितने? 27%। ठीक, दूसरा तरीका है इसको हल करने का, ये अंग्रेजी में 20% फेल हैं, 80% पास हैं, 35% अंग्रेजी में फेल हैं हिंदी में, तो पास कितने होंगे? 100 में से 35 घटा देंगे कितना आएगा? 65%। अगर 27 दोनों में असफल है तो दोनों में पास कितने हैं? 100 में से 27 घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 73। केवल हिंदी में कितने पास है? इसमें 73 घटा दीजिए, इसमें से 73 घटा दीजिए, ये पास वाले निकल जाएंगे, इधर फेल वाले निकल जाएंगे, दोनों निकाल लेते हैं। 80 में से 73 क्या हो जाएगा? 7, और 65 में 73 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -8। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 75 माइनस 8, तो हो जाएगा 74% पास हुए हैं। यदि पास वालों की संख्या कितनी है? 288, तब फेल कितने हैं बताइए? सही है ना, सी में से 73 के साथ 65, ये 74% पास है, तो 74% बराबर, तो 1% बराबर
74 गुड़े 100। तो काटिए जरा, दो से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 7 14। दो से काटेंगे 2 1 2, 2 4 2 4 8 कितना आएगा जी? कुछ गलत हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं, फिर से इसको हल करते हैं, कहीं गलत हो रहा है। समझ नहीं आया, रुकिए मैं दोबारा लगा रहा हूँ। देखिए मैं दोबारा लगा रहा हूँ तब समझ में आएगा। 20% छात्र अंग्रेजी में, 35% छात्र हिंदी में असफल हुए। ये हो गया 20%, ये हो गया 35%, ये हो गए हिंदी में और ये हो गए इंग्लिश में। लेकिन दोनों में 27% हुए। ठीक है, ये प्रश्न में कह रहा है, अगर पूछा जाए केवल इंग्लिश में कितने असफल हुए, इसमें 27 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? -7%। और केवल हिंदी में -27%, तो कितने होंगे? 8%। कुल कितने असफल हुए? तो ये हो जाएगा -7 + 27 + 8%। 27 में 7 गया 20 और 20 + 28, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 28% छात्र असफल हुए दोनों में। सफल कितने हुए? 100 - 28 = 72 सफल हुए। अब यहाँ पे यदि इनकी संख्या 288 हो तो 72% बराबर सफल व्यक्ति कितने हैं? 288। 1% बराबर 288/72 और परसेंटेज के लिए गुणे 100। तो 72 × 4 = 100, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 400। इसका उत्तर क्या होगा? बी, 400। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर 400 बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर 400 बताया है उनके जवाब सही हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये ट्रिक है, मैंने पढ़ाया है, अगर आप परसेंटेज क्लास मेरी पढ़ी होंगी। अगला, यदि किसी आयत की परिमाप 50 मीटर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो माना उसकी चौड़ाई माने ब्रीथ 13 मीटर है, तो लंबाई कितना होगा, लेंथ कितना हो जाएगा? x + 13, क्योंकि 13 मीटर ज़्यादा है। और हम जानते हैं परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 × l + b। आयत का परिमाप कितना है? 50 है, तो 50 = 2। l कितना है? 13 + x + 13। 2 इधर गुणे में, इधर आएगा बटे में, तो 50/2 बराबर 13 × 13 = 26 + x। 2 से कटेगा कितना आएगा? 25। ठीक, ये होगा ना, उसकी लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, अच्छा उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। ठीक है, अब और आगे देख लेते हैं भैया, ये हो जाएगा 13, 50 का 25 हो जाएगा, 13 × 26 1 = 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 × 13। एक मिनट, फिर से, एक किसी आयत की परिमाप 50 मीटर, उसकी लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक हो, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जानते हैं 2 परिमाप बराबर, ऐसे लगाते हैं पहले, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 × l + b। आयत का परिमाप क्या है? 50 = 2 l + b। ये कट जाएगा इधर से 25, तो 25 = l + b, मैंने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 25 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 6 मीटर अधिक है, तो एक काम, 13 मीटर अधिक हो, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक हो, 13 मीटर अधिक हो तो कैसे लगाएंगे हम लोग? अब यहाँ पे ये 19 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, तब यहाँ हो जाएगा, यदि उसकी लंबाई 13, तब इसकी जो लेंथ है
ये हो जाएगा 19 और 6, ठीक है। अब मैं लगाते हैं, ये माना उसकी ब्रीथ बराबर यक्स, तो लेंथ बराबर यक्स प्लस 13, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो 25 बराबर यक्स प्लस 13 प्लस यक्स, वहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, यहाँ 2x हो जाएगा, तो 25 बराबर 2x प्लस 13, तो 25 माइनस 13 बराबर 2x, 25 में 13 गया क्या हो जाएगा, 25 में 13 गया 12, 12 बराबर 2x, x बराबर 6, x बराबर 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 19, क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रीथ, 6 × 19 = 114 m². यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी, सी वालों का जवाब सही है, ठीक है, ठीक, यही फार्मूला लगा कर रख देंगे, आ जाएगा उत्तर, सर वहाँ पर 2x था, मैंने गलत किया था। अगला, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी को स्वागत किया गया, उस समय वायसराय लॉर्ड हेडिंग था। ये प्रश्न पूछा जाता है, लॉर्ड हेडिंग था, बंगाली भाषा रद्द करने की घोषणा हुई, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया, इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, लेकिन घोषणा की गई थी, लेकिन राजधानी का दिल्ली में जो विधिवत हस्तांतरण हुआ था वो 1912 में हुआ था, यहाँ पे घोषणा होती है, ठीक। चलिए यहाँ पे मिलान करना है आप लोग को, सूची में एक दूसरे, AU एस्टनाइड यूनिट खगोली इकाई के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल में अगर दूरी के आधार पर ग्रहों को क्रम देखा जाए तो इस प्रकार से है, बताइए कैसे लगेगा ये। सबसे नज़दीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, एकदम क्रम से है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, आपको क्रम याद होना चाहिए, बस तुरंत कर लेंगे, क्रम आपको खाली याद होना चाहिए बस। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है, बताइए कहाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है, आप लोग की संख्या कम हो रही है, ठीक है, मुझे जल्दी क्लास खत्म करना चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। विश्व विरासत समिति ने ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किया, कुल्लू जिले के पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, किस घाटे के नाम से जाना जाता है, बताइए, डेली क्लास के टाइम पता फिर भी संख्या कम रहती है, राजस्व घाटा, देखिए राजस्व घाटे का मतलब होता है कि सरकार की अनुमानित जो राजस्व प्राप्ति और व्यय में अंतर होता है, किसी वित्त वर्ष के लिए सरकार राजस्व प्राप्ति और अपने खर्च का एक अनुमान लगाती है, लेकिन जब उसका व्यय उसके अनुमान से ज़्यादा हो जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये बताइए, 1956 में प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में, भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है, वायसराय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिश भी रखी थी, और फिर 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, बाद में इसका नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी पड़ा, फिर धीरे धीरे आगे चलता गया, फिर इसका नाम विश्वविद्यालय के नाम पर पड़ता है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित, यह सुरंग हिमालय पीर पंजाल वर्तमान पर्वतमाला में औसत समुद्र से कितने मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है,
बताइए जल्दी से, कमेंट करके सभी लोग फटाफट जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। 4000 मीटर सी वालों का जवाब सही। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2020 को किसने स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नाबार्ड, नीति आयोग? नाबार्ड। दो अक्टूबर 2020 को नासा ने भारतीय मूल की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्य कार्गो यान SS कल्पना चावला लॉन्च किया। इसमें इस यान का उद्देश्य क्या नहीं था? 3 है और 1 नहीं था, वही आपको बताना है क्या नहीं था। नए अंतरिक्ष शौचालय का परीक्षण था, पौधों की उत्तरजीवता और व्यवहारता का अध्ययन था, कैंसर दवा का परीक्षण था, जल गुणवत्ता अध्ययन नहीं था। मनुष्य प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह डी, जो गलत है वही हमारा सही, क्योंकि हमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अगला सवाल आपके सामने है। आवास और शहरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर को ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए? जोमेटो, डोमिनोज, स्विगी, पिज्जा हट? बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। स्विगी। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दो। जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग चाहे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, इलेनी पे, दुर्गेश के ऐप पर, बताइए जल्दी कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चलिए आप लोगों ने एकदम सही बताया है, ज्यादातर लोगों के जवाब सही हैं। 5 अक्टूबर को बी वालों के जवाब सही हैं, यहाँ पे विश्व पूछा है और ये राष्ट्रीय है और ये अंतर्राष्ट्रीय है। बी वालों के जवाब सही हैं। सोचिए कितने लोगों ने यहाँ पे प्रश्न का जवाब गलत बताया। रट लीजिएगा, ये परीक्षा में गलती मत करिएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा परीक्षा हाल में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर हम नहीं बचा पाएंगे आपको, सिलेक्शन से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कहते हैं डेली क्लास है, आप लोग रहा करिए, मैंने ये पढ़ाया है। भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब कार्ड सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया? 14 जनवरी 2021 को। ठीक, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? पुस्तक भी सिलेबस में है। यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इलानी पे, दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव चलता डेली इसी समय, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। देखिए 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई इस पुस्तक के लेखक चांदमल कुमावत हैं। इसमें प्रधानमंत्री के 107 विदेश यात्रा, 107 विदेश यात्रा का उल्लेख मिलता है। क्लियर, रट लीजिएगा, यूनिक प्रश्न है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि पुस्तक भी आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह संबंध में विचार कीजिए, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। इस उपग्रह का नाम यागोगान 33 था। इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया, सही है। यह लॉन्ग मार्च करियर रॉकेट 357 उड़ान थी। जी हाँ, डी इसका सही है, 1, 2, 3 सही है। रजनी के सवाल हैं,
भीमकाय का बौना है, प्रतिभाशाली क्या होगा, 5 प्रश्न आपके परीक्षा में सिलेबस में है, सरकारी शिक्षक बनने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है ये। बताइए जल्दी से भाई, जब भीमकाय का बौना है एक तरह से विलोम है, प्रतिभाशाली का विलोम क्या होगा, जड़मति। यदि बोल्डर का ये लिखा जाता है तो इलेक्स को क्या लिखा जाएगा, देखिए 2, 15, 21, 12, 4, 5, 18, 26, 13, 19, 10, 2, 3, 16, ये 2 पे है, माइनस 2 किया है, 15 पे 13 माइनस 2, 21 पे माइनस 2, 12 देखिए माइनस 2 किया है, ये कितने होगा, 5, 12, 11, माइनस 2 करेंगे तो 3, माइनस 2 करेंगे 10, 9, 3 पर आएगा सी जे 9 आई, सी जे आई सी, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 किया है, अभी माइनस 2 माइनस किया, ठीक समझ में आया आप लोग को, सबको समझ में आ गया। यहां पे विकल्प में से विषम शब्द चुनिए, अध्यापक न्याय वकील रसोईया, सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, अध्यापक न्याय वकील रसोईया, यार वीडियो को लोगों तक पहुंचा दीजिएगा अगर आप ने यहां तक पढ़ लिया है तो। देखिए अध्यापक महिला पुरुष, वकील महिला या पुरुष, रसोईया, लेकिन न्याय जो है ये एक प्रकृति है, एक परिणाम है, इनकी कृत्य है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी, जो डिफरेंट है। टुडे 20, 15, 4, 1, 25, 21, 17, 5, 3, 26, 20 से 21 मैंने पहले क्या किया है, प्लस 1, 15 से 17 प्लस 2, डी से ई 4 से 3, 4 से 5 प्लस 1, 1 से 3 प्लस 2 प्लस 1, मैंने प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2, 5, 6, 15, 18, 5, तो पहले 1 प्लस है तो बी का सी, 2 प्लस 7, 7 माने जी, 6 माने 1 माने 7, 7 माने जी, 15, 2, 17, 17 माने क्यू, 18 माने 1, 19, 19 माने यस, 5, 2, 7, 7, 7, 7, 7, जी, अच्छा भैया सी जी जी क्यू एस जी, ये क्यों है, सी, सी वालों का सही जवाब है, जितने लोग इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, ठीक है, उन सभी का जवाब क्या होगा, सी होगा। चलिए पहले का यहाँ पे है 48 नंबर, यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, उसी वर्ष जुलाई माह का पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, देखिए जून को 16 जून को शुक्रवार था, जून कितने दिन का होता है, अगर हम जून की बात करें तो जून में 30 दिन होते हैं, और जुलाई माह में पहला शुक्रवार कैसे पड़ेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले काम करेंगे, इसमें 14 दिन जोड़ देंगे, तो 14 दिन जोड़ देंगे तो 14 दिन तो 7 से 14 दिन हो जाएगा, जून ख़त्म, ये जून पूरा समाप्त हो जाएगा, तो 14 माने 7 से भाग देंगे 0, फिर मतलब यहाँ पर क्या है कि जून हुआ, जून में क्या जोड़ें, जून को शुक्रवार था, अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 चलते जाए, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो शुक्रवार कह रहा है कि उसी वर्ष उस माह में शुक्रवार, पहला शुक्रवार कब होगा, 7 दिन बाद होगा, माने 7 जुलाई को होगा, क्या तारीख होगा, 7 जुलाई को होगा, क्या जुलाई को होगा, 7 जुलाई को होगा, कि 14 दिन होता है तो 16 में 7, 7, 7 जोड़ देंगे आ जाएगा, ठीक है, 16 में 7 जोड़ेंगे फिर शुक्र आएगा, फिर जोड़ेंगे 7, शुक्र आएगा फिर 7 जोड़ेंगे 7, इस प्रकार ही आएगा। अगला प्रश्न है,
विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते हैं। ये कथन कह रहे हैं। फिर कथन कह रहे हैं प्लास्टिक के थैले का प्रयोग कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। निष्कर्ष, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते हैं। सभी नहीं, कुछ, यहाँ पे कुछ कहा है। इसलिए न तो एक निकलता है, न ही दो निकलता है। कोई मैच ही नहीं कर रहा है। 15 फरवरी 2021 को विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और इसे WTO कहते हैं, इसका पुराना नाम क्या था बताइएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स अगर आप चाहते हैं घर बैठे संपूर्ण नोट्स प्राप्त करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको सरकारी शिक्षक बनाने में काफ़ी मददगार होगी। यह क्लास जौनपुर जनपद से, अगर आप जौनपुर जनपद से हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने बचे हुए समय पर निःशुल्क देशित में राष्ट्रहित में क्लास लेकर आता हूँ। प्रतिदिन क्लासेस इसी समय लाइव चलती है। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाएंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो नाइजीरिया के जो पूर्व वित्त मंत्री थे नगोजी ओकांजो इवेला, विश्व व्यापार संगठन के 7वां निदेशक नियुक्त किया गया। कौन सा? 7वां। WTO का पुराना नाम क्या था? गैट। और WTO कब पड़ता है? इसका नाम 1 जनवरी 1995 को। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग डेली क्लास में आते हैं तो इसी समय लाइव रहिएगा। बाकी स्पेशल क्लास की जो लिंक है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और आप फेसबुक पेज पर ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके जुड़िएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। आप लोग अपना बेहतर देते रहिएगा। इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है जरूर दबा दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना आपकी मर्जी है। हाँ, इसका गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड। सही जवाब, गैट। इसका पुराना नाम क्या था? गैट। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, अपने साथी मित्रों तक पहुंचाया है, लाइक किया है, उन सभी को तहे दिल से थैंक यू। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। ऐप भी इलानी भी दुर्गेश है प्ले स्टोर पर। इंस्टाग्राम इलानी भी दुर्गेश है, मेरी भी इंस्टाग्राम पे है दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से। फेसबुक पेज पर मेरी भी अकाउंट है दुर्गेश अशोक जायसवाल के नाम से। और इलानी भी दुर्गेश जहाँ आप देख भी रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू।